गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन सीख रहे थे तुल्यांक की भार निकालना, और अपन ने कहा था कि तुल्यांक की भार है वो अम्लों के लिए अलग तरीके से निकाला जाता है, अम्ल का अणुभार बट्टा अम्ल की क्षारकता, यानी अम्ल द्वारा त्यागे गए H प्लस आयनों की संख्या, और क्षार का तुल्यांक की भार क्षार का अणुभार बटा उस क्षार की अम्लता, यानी उस क्षार के द्वारा त्यागे गए OH माइनस आयनों की संख्या, और लवण का तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं, उस लवण का अणुभार बटा लवण में उपस्थित आयनों की संयोजकता। ठीक है, अब देखिए अपन यहां पर एक अम्ल ले रहे हैं, फास्फोरस अम्ल। कल अपन ने लिया था फॉस्फोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला था H3PO4। कल जो अपन ने लिया था वो था फॉस्फोरिक अम्ल, जिसका अणुसूत्र था H3PO4, और आज जो अपन ने लिया है फॉस्फोरस अम्ल, ये है H3PO3। ठीक है, अब देखिए कल अपन ने फॉस्फोरिक अम्ल लिया था और अपन ने बताया था इसकी क्षारकता कितनी होती है, 3 होती है, यानी ये H प्लस कितने त्यागता है, 3 त्यागता है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3, और ये तीनों हाइड्रोजन ये त्याग देता है किसके रूप में, H प्लस के रूप में, तो ये 3 H प्लस त्यागता है, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, फॉस्फोरस अम्ल में भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 ही है, लेकिन इसकी क्षारकता है वो 2 ही होती है, यानी इसमें हाइड्रोजन की संख्या 3 जरूर है, लेकिन ये H प्लस के रूप में केवल कितना त्यागता है, 2 ही हाइड्रोजन को त्यागता है। ठीक है, अब इनको समझेंगे अपन कि इसका रीजन क्या है। अब जो फॉस्फोरस अम्ल है H3PO3, इसकी संरचना होती है ये, ठीक है, और जो फॉस्फोरिक अम्ल है H3PO4, उसकी संरचना होती है ये, तो ये तो फॉस्फोरिक अम्ल हो गया H3PO4, और ये फॉस्फोरस अम्ल हो गया H3PO3। ठीक है, अब देखिए इसकी क्षारकता होती है 2, इसकी क्षारकता होती है 3, जबकि दोनों में हाइड्रोजन की संख्या समान है 3-3, लेकिन ये 2 H प्लस आयन त्यागता है और ये 3 H प्लस आयन त्यागता है, तो ये आपको इनकी संरचनाओं से क्लियर हो जाएगा। देखिए फॉस्फोरस अम्ल में 2 हाइड्रोजन है वो तो जुड़े हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और तीसरा हाइड्रोजन जुड़ा है डायरेक्टली किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है 2.1। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, विद्युत तो
ऋणात्मकता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता, तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता। अब जिसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, अब देखिए यहां हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता होगी 2.1 और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता होती है 3.5। तो यहां हाइड्रोजन जुड़ा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है। अब ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, इसलिए इस बंद के इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन ले लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। तो इन दोनों बंद के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ऑक्सीजन। अब इनके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, तो ये हाइड्रोजन है वो आसानी से किसके रूप में चले जाएंगे? एच प्लस के रूप में। ये हाइड्रोजन आसानी से एच प्लस के रूप में चले जाएंगे। अब देखिए ये जो तीसरा हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन? तीसरा। ये हाइड्रोजन सीधा किससे जुड़ा है? ये हाइड्रोजन सीधा जुड़ा है फॉस्फोरस से, और हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होती है। हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होती है, इसलिए ये जो हाइड्रोजन है वो H प्लस के रूप में नहीं निकलेगा। इसीलिए अपन ने कहा कि जो फॉस्फोरस अम्ल है उसमें हाइड्रोजन जरूर तीन होते हैं, लेकिन H प्लस के रूप में केवल दो ही निकलते हैं, जो किससे जुड़े होते हैं? ऑक्सीजन से। इसलिए तीन हाइड्रोजन होते हुए भी इसकी क्षारकता का मान कितना होता है? दो होता है। ठीक है, अब देखिए अब अपन आते हैं फॉस्फोरिक अम्ल पे। अपने कहा फॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है? तीन, यानी इसके तीनों हाइड्रोजन H प्लस के रूप में चले जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसके तीनों हाइड्रोजन किससे जुड़े होते हैं? ऑक्सीजन से। इसके तीनों हाइड्रोजन किससे जुड़े होते हैं? ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है। तो यहां तीनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा कौन? ऑक्सीजन। और ये तीनों हाइड्रोजन किसके रूप में निकल जाएंगे? H प्लस के रूप में। तो तीनों हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकल गए, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होती है? तीन होती है। ठीक है, तो फॉस्फोरस अम्ल की क्षारकता दो, फॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता तीन। अब इसका तुल्यांकी बाहर निकालेंगे तो इसकी क्षारकता लिखेंगे दो, जबकि इसका तुल्यांकी बाहर निकालेंगे तो इसकी क्षारकता लिखेंगे तीन। पहले अपन तुल्यांक की बात देखेंगे फॉस्फोरिक अम्ल का। तो अम्ल का तुल्यांक की बात कैसे निकालते हैं? उस अम्ल का अणुभार
बट्टा उस अम्ल की क्षारकता। तो देखिए इसका अणु भार 3 हाइड्रोजन का 3, फास्फोरस का 31 और 4 ऑक्सीजन 64, 1 का 16, 4 का 64। तो फास्फोरिक अम्ल का अणु भार होता है 91। अब ये फास्फोरिक अम्ल है तो ये H प्लस कितने जाता है, 3, ठीक है, 3 त्याग दिए। अब देखिए तो इसका तुल्यांक की बार आता है 32.66। अब अपन तुल्यांक की बार निकालेंगे फास्फोरस अम्ल का। तो देखिए इसका अणु भार 3 हाइड्रोजन का 3, फास्फोरस 31, 31 और 3 34, ऑक्सीजन कितने 3, 1 का 16, 3 का कितना 48, 48 और 34, 48 और 34 82। अब इसमें हाइड्रोजन जरूर 3 है लेकिन ये H प्लस के रूप में केवल कितने निकालता है, 2, तो इसकी क्षारकता कितनी है 2। तो इसका तुल्यांक की बार आएगा 41, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है फास्फोरिक अम्ल की क्षारकता 3 होती है, फास्फोरस अम्ल की क्षारकता 2 होती है। इसी प्रकार से देखिए एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब एसिटिक अम्ल में टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 3 और 1 4, ठीक है। इसकी संरचना इस प्रकार से, ये एसिटिक अम्ल की संरचना है। अब इसमें हाइड्रोजन 4 है लेकिन ये H प्लस के रूप में केवल एक ही हाइड्रोजन को निकालता है, यानी इसकी क्षारकता केवल एक होती है। देखिए ये 3 हाइड्रोजन है वो तो किससे जुड़े हैं, कार्बन से, और हाइड्रोजन और कार्बन की विद्युत ऋणता लगभग समान होती है, इसलिए ये हाइड्रोजन है वो H प्लस के रूप में नहीं निकलेगा। ये जो हाइड्रोजन है ये जुड़ा है किससे, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन त्याग दिया जाएगा किसके रूप में, H प्लस के रूप में, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन जरूर 4 होते हैं लेकिन इसकी क्षारकता 1 होती है, यानी H प्लस कितना त्यागता है, 1 त्यागता है। तो देखिए इसका अणु भार निकालेंगे, सॉरी तुल्यांक की भार निकालेंगे। तो पहले इसका अणु भार देखिए, कार्बन 12, 3 हाइड्रोजन 3, कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन 32, हाइड्रोजन 1, तो ये 60 है ना। और ये H प्लस कितना त्यागता है, 1, ठीक है। अब एसिटिक अम्ल यदि किसी विलायक में उपस्थित हो, एसिटिक अम्ल यदि किसी विलायक में घुला हुआ हो, ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का अणु भार है वो 60 की बजाय दुगुना 120 प्राप्त होता है। इसका कारण क्या है, देखिए
एसिटिक अम्ल यदि किसी विलायक में घुला हुआ होता है तो इसके दो अणु एसिटिक अम्ल के कितने अणु दो अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर द्विलक के रूप में पाए जाते हैं। अब द्विलक द्वि यानी दो द्विलक यानी जिसमें दो अणु आपस में जुड़े हुए हों तो एसिटिक अम्ल यदि किसी विलायक में होता है तो एसिटिक अम्ल के दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं और ये किसके द्वारा जुड़ते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। अब हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है हाइड्रोजन बंध देखिए कैसे बनता है यदि दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन परमाणु आ जाए तो एक प्रबल आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। तो यदि दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच क्या आ जाए हाइड्रोजन आ जाए तो वहां एक प्रबल आकर्षण बल बनता है जिसको क्या कहते हैं हाइड्रोजन बल। अब देखिए ये इधर वाले एसिटिक अम्ल की ऑक्सीजन जिसकी विद्युत ऋणता अभी अपन ने बताई थी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता होती है 3.5 और ये इधर वाले एसिटिक अम्ल की ऑक्सीजन विद्युत ऋणता ऑक्सीजन है तो 3.5 ही होगी और दोनों के बीच में क्या आ रहा है हाइड्रोजन आ रहा है तो दो अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन के बीच क्या आ रहा है हाइड्रोजन आ रहा है तो ये कंडीशन आ रही दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन परमाणु आना चाहिए वहां क्या बन जाता है हाइड्रोजन बंध और हाइड्रोजन बंध को डैश डैश के द्वारा दिखाते हैं हाइड्रोजन बंध को डैश डैश के द्वारा दिखाया जाता है क्यों क्योंकि ये ओनली एक आकर्षण बल होता है ये केवल एक क्या होता है आकर्षण बल होता है ठीक है तो इसलिए ये हाइड्रोजन बंध है इसको यहां पे डैश डैश के द्वारा दिखाया गया है तो ऊपर दो ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन आ रहा है हाइड्रोजन बंध बन गया और नीचे भी देखिए ये इधर वाले एसिटिक अम्ल की ऑक्सीजन और ये इधर वाले एसिटिक अम्ल की ऑक्सीजन यहां पे भी दो ऑक्सीजन के बीच क्या आ रहा है हाइड्रोजन आ रहा है ना तो इस प्रकार एसिटिक अम्ल के दो अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर किसके रूप में पाए जाते हैं द्विलक के रूप में जब वो किसी विलायक में घुला होता है ठीक है। अब ये द्विलक बन गया यानी एसिटिक अम्ल के दो अणु अब एक अणु का अणुभार कितना होता है 60 तो दो का कितना हो जाएगा 120 इसलिए एसिटिक अम्ल जब किसी विलायक में घुला होता है तो इसका अणुभार 60 की बजाय कितना प्राप्त होता है 120 प्राप्त होता है ठीक है इसको ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ये।
अब अपन देखेंगे रासायनिक सूत्र बनाना। कोई अणु है तो उसका रासायनिक सूत्र किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए, अपन ने बताया था कि जो उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन पे जितना धनावेश होता है इलेक्ट्रॉन पे उतना ही ऋणावेश होता है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होंगे और दोनों पे आवेश भी क्या है, बराबर, एक पे प्लस एक पे माइनस, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, संतुलित, और इसलिए जो परमाणु है वो उदासीन हो जाएगा। यानी उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, यानी जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश। तो जहां पे जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश हो तो वहां पे टोटली वो क्या हो जाता है, उदासीन। तो देखिए, उदासीन अणु में, अब अभी अपन ने परमाणु के लिए बताया था, तो उदासीन अणु के लिए भी क्या होगा, उदासीन अणु के लिए भी वही होगा कि उदासीन अणु में जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा। उदासीन अणु में जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, ठीक है। अब देखिए, तो सूत्र बनाते वक्त ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि यदि अणु उदासीन है तो उसमें जितना धनावेश उतना ही होना चाहिए ऋणावेश। अब इसके लिए पहले अपन देखेंगे मूलक। मूलक जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडिकल। तो मूलक क्या होता है, परमाणु या परमाणुओं का समूह है, परमाणु या परमाणुओं का समूह है जिस पर कोई आवेश पाया जाता है जिस पर कोई आवेश पाया जाता है वो चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, क्या कहलाता है, मूलक कहलाता है। तो परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर कोई आवेश पाया जाता है क्या कहलाता है, मूलक कहलाता है। अब देखिए, आवेश के आधार पर मूलक है वो दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन को इंग्लिश में कहते हैं केटायन, और ऋणायन को इंग्लिश में कहते हैं एनायन। तो धनायन वो मूलक होता है जिस पर धनावेश पाया जाता है, और ऋणायन वो मूलक होता है जिस पर ऋणावेश पाया जाता है, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र बनाने के लिए अपन को सभी मूलकों का पता होना चाहिए, यानी कौन कौन से धनायन होते हैं और उन पर कितना धनावेश होता है, और कौन कौन से ऋणायन होते हैं और उन पे कितना ऋणावेश होता है। क्योंकि जब अपन उदासीन अणु का सूत्र बनाएंगे तो अपने दिमाग में होना चाहिए कि जितना उदासीन अणु में जितना धनावेश होता है
उतना ही ऋणावेश होता है, है ना। तो अपन को ये मूलकों का पता होना चाहिए कि कौन से धनायन पे कितना धनावेश होता है और कौन से ऋणायन पे कितना ऋणावेश होता है और उन मूलकों को क्या कहा जाता है। तो कल वाली क्लास में अपन जितने भी मूलक हैं उनको लिखेंगे और उनकी सहायता से बनाएंगे रासायनिक सूत्र। धन्यवाद।